जिसमें ये वाली सारी चीज़ें सेट कर दी हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ और आई होप आप सब भी ठीक होंगे। इतना प्यारा मेरी बहन ने कमेंट किया था कमेंट पे, फिर मैंने कहा लंबा चौड़ा मैसेज का जवाब कैसे देना है, तो मैं ऐसे करती हूँ वीडियो बना। एक तो इनकी लैंग्वेज चेंज है और सेकंडली ये है कि जब बंदा शुरू में आता है तो फिर इतना बंदे को खास पता भी नहीं चलता कौन सा ब्रांड अच्छा कौन सा नहीं। अभी तो हमें काफ़ी साल हो चुके हैं और काफ़ी चीज़ों का एक्सपीरियंस हो चुका है। बाकी शुरू में जब मैं भी आई थी ना तो मेरा एक ही बेटा था, खासतौर पे जब पार्क वगैरह जाता था तो इशू होता था कि उसके जितने भी दाग कपड़ों को लगते थे ना वो जाते ही नहीं थे सही। तो शुरू शुरू में बंदे को इतना कोई आइडिया नहीं होता कि कैसे कौन सी ब्लीच इस्तेमाल की जाए या कौन सी सर्फ वगैरह ज़्यादा यूज़फुल होती है। ये आची की है कंदोचिनो, ये ब्लीच होती है जो वाइट कपड़ों के लिए यूज़ होती है ना। एक प्लेन कंदोचिन होती है और एक ये परफ्यूम वाली होती है। मुझे ये परफ्यूम वाली ज़रा बेहतर लगी है, जो प्लेन होती है ना उसकी ब्लीच की स्मेल बड़ी डार्क होती है। और ये वाले कपड़ों में डालें और जितने चाहे ज़िद्दी दाग होना वो निकल जाते हैं इनसे। कलरफुल कपड़ों के लिए कंदोचिनो नहीं है, कलरफुल कपड़ों के लिए कलर वाली अलग से आती है, वो यूज़ करनी है, वरना इसने बेड़ा गर्क कर देना कपड़ों का। ये वाले जो आपको सर्फ वगैरह नज़र आ रहे हैं डिक्सन के हो गए, ये डैश के, ये इतने शानदार होती है ना इनकी सर्फ भी, और ख़ासतौर पर ये पोर्ट्स वगैरह लेके आती हूँ मैं कपड़ों के लिए ना, ये भी बड़े शानदार होते हैं। अगर आप सर्फ वगैरह यूज़ नहीं करना चाहते तो ये डाल सकते हैं इजीली। इस दफ़ा मैं सर्फ नहीं लेके आई थी, एक तो मैं लिक्विड वो जो वॉशिंग वाली वो लेके आई थी, और दूसरी सेकंडली ये वाले जो पोड्स हैं ना ये मुझे बड़ी आसानी होती है इनके साथ ना। एक तो खुशबू भी अलग से डालनी पड़ती है और बाकी जो जितने भी चीज़ें होती हैं इसके अंदर मिक्स होती हैं, तीन में ये डाल लेती हूँ और आराम से कपड़े धुल जाते हैं। ये जो आपको डेक्सन की थ्री नज़र आ रही हैं ये भी लिक्विड फॉर्म में सर्फ होती है, ये भी बड़ी शानदार होती है। और पुड्स का ये फ़ायदा होता है कि इनके साथ ही इसकी जो अलग से हम खुशबू के लिए कपड़ों में डालते हैं ना वो भी इसके साथ ही होती है। तीन चार ये डालें और कपड़े आपके अच्छे खासे धुल जाते हैं, और ये होता है कि अलग अलग से आपको चीज़ें डालने नहीं पड़ती। इंसान को जितनी सहूलतें मिलती हैं ना उतना ही बंदा फैलता जाता है। यकीन करें पाकिस्तान में कपड़े धोना ना एक मुझे मौत लगती थी, मुझे सबसे ज़्यादा बुरा काम ना कपड़े धोना लगता था। अब यहाँ देखें हमें सर्फ डालना भी ना उसके साथ लिक्विड दूसरा डालना खुशबू वगैरह के लिए वो भी मुश्किल काम लगता है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह जितनी आसानी अल्लाह दे उतनी बंदे को लेनी चाहिए। यहाँ पे हमारे घर आ रहे हैं मेहमान, तो मैंने रसमलाई केक बना के ऊपर रख दिया, बाकी ये छोटी मोटी चीज़ें हैं बिल्कुल। ये स्टार्ट किया जब फ्रिज के अंदर थोड़ी थोड़ी चीज़ें रखने स्टार्ट की थी ना, ये उस वक्त की है। तो साथ में मैंने कुछ रशियन सैलड वगैरह बनाने उसके लिए चीज़ें निकाली हैं। बाकी खाना शाना हर चीज़ रेडी हो गई थी, ये नान के लिए आटा भी राइज हो गया था और बाकी तकरीबन सारा कुछ बन गया हुआ था। मेहमान थोड़े लेट ही थे क्योंकि हमने खुद उन्हें लेने जाना था, हस्बैंड ने पिक करने जाना था। ये वाले बर्तन जो है ना, ये चूल्हा जो है ना अभी थोड़ा थोड़ा ब्लैक कर रहा है बर्तनों को, इस वजह से फिर मैंने नए अभी लगाए नहीं है इनका। मैंने कहा लास्ट जो है इस्तेमाल कर, एंड फिर मैंने कहा चलो चावल वगैरह बॉयल करूँगी। तो खाना शाना हम लोगों ने खा पी लिया, बिल्कुल भी याद नहीं रहा वीडियो वगैरह बनानी, क्योंकि जब वो लोग आते हैं ना तो फिर हमें कोई होश नहीं होती बातें शाते करने में, अच्छे खासे हम फिर बिजी हो जाते हैं। और वीडियोस वगैरह बनाई तो थी जब खाना वगैरह सर्व किया था, लेकिन वो मेरे ख्याल अंदर से मिस हो गई है ना, काफ़ी ज़्यादा मैंने वीडियोस डिलीट की हैं, तो उसके साथ ही मुझे लगता है वो भी कहीं डिलीट हो गई हैं। ये जो आइकिया से मैं आपको कह रही थी चीज़ें आने वाली हैं, ये कुछ आइकिया से चीज़ें लाई हैं, तो ये आइकिया की चीज़ें हैं। ये वाली है, ये तो वैसे डेकोरेशन वगैरह करने के लिए होती है चीज़ें, तो अपने दिमाग चलाएं जहाँ आपको चीज़ की ज़रूरत हो वहाँ। पहले मैंने इसके ऊपर ये सारी जितनी मशीनरी थी ना ये सारी इसके ऊपर रखी हुई थी ऊपर नीचे करके ना, तो अब मैंने इसके अंदर मैंने कहा सारी चीज़ें इसके अंदर सेट कर दूँगी। पिंटरेस्ट से ये मैंने आइडिया देखा था, वहाँ उन्होंने ये छोटे छोटे कैबिन बनाए हुए थे और ये सारी चीज़ें ऊपर नीचे रखी हुई थी, इतनी अच्छी लग रही थी। फिर मैंने आइकिया पे ये वाली मैंने देखी थी, तो मैंने कहा ये कैबिन शबन तो नहीं अलग से बनवाएंगे, तो चलिए ये वाली ले जाते हैं, इससे भी ये काफ़ी खूबसूरत लगेंगी सारी चीज़ें। और बाकी वायर वगैरह सारे इसके पीछे निकाल दूँगी और वो एडजस्ट कर लूँगी सारी। वो जूसर वगैरह ऊपर इसलिए रखी हैं क्योंकि वो बड़ी चीज़ें हैं ना, वो ऊपर आ ही नहीं रही थी। मेरा दिल था कि दो दो कैबिन कर लेती हैं और ताकि फिर एक एक चीज़ ना इसके अंदर ही आ जाए, लेकिन नहीं जी, मेरे हस्बैंड ने कहा एज इट इज़ जैसे है ना वैसे ही रखो, इनको ऊपर नीचे करके ना एडजस्ट कर लो चीज़ों को। और भी मैंने काफ़ी ज़्यादा चावल यूज़ करके देखे हैं, लेकिन ये गोल्ड स्टार के चावल हैं, ये काफ़ी अच्छे रहते हैं, काफ़ी ये लंबे लंबे चावल बनते हैं और टूटते भी नहीं हैं। खासतौर पर बिरयानी शरियन बनाने हो या मीठा कुछ भी इस तरह बनाना हो ना, ये चावल काफ़ी अच्छे रहते हैं। ये लास्ट एक तो मैंने बिरयानी वगैरह की वीडियो दिखाई थी ना, तो उसके अंदर मुझे काफ़ी सवाल आए थे कि आपने कौन सा चावल यूज़ किए हैं, तो ये गोल्ड स्टार के चावल काफ़ी अच्छे रहते हैं। चलें जी, गोल्ड स्टार की काफ़ी ज़्यादा प्रमोशन हो चुकी है। अब बताने का मकसद यही होता है कि यहाँ जो न्यू आने वाले होते हैं ना उनको ज़रा चीज़ों का इतना कोई खास पता नहीं होता, जिसकी वजह से ना जब हम लोग भी नए आए थे तो हमें भी कोई इतना आइडिया नहीं था, एक दूसरे से देख के पूछ के फिर ही चीज़ों का पता चलता है। एक के अंदर मैंने आटा डाल दिया और दूसरे के अंदर चावल। आटे के भी भाई इधर इतने कोई मसले मसाइल हैं ना, यकीन करें हम जाट फैमिली के लिए बाजारी आटा खाना ना इतना कोई बड़ा जो ना टास्क होता है ना, हमने कभी भी ज़िंदगी में बाज़ार से जो आटा मिलता है ना वो कभी नहीं खाया था। खैर इतने साल हो गए यहाँ से, अब खाते खाते फिर भी याद ही नहीं हुए।
एक ये वाले कैबिन लेके आए थे और दूसरा साथ वो टेबल जो आपने पहले भी देख लिया था। ये वाले कैबिन के अंदर मैंने कहा जितनी इधर छोटी मोटी इस तरह की जो ग्रोसरी होती है ना वो चीज़ें रखने वाली वो रख लूँगी इसके अंदर, जो मसाला जात हो गए और बाकी जो जो चीज़ें जो पैकेट अलग अलग से पड़ी रह जाती है ना, जो चीज़ें थोड़ी थोड़ी होती हैं वो इसके अंदर रख लूँगी। एवरीडे की चाय और हल्दी जल्दी जीरा जो जो चीज़ें हैं ना इधर बिना तो किसी नहीं, ग्रीन टी फायदा होता कोई नहीं है, ग्रीन टी का फायदा सिर्फ आपका मुंह बंद अपने करने ना, खाना हाथ रोकना खाने से तो फिर फायदा होता, वैसे कोई नहीं होता। ये रख ये छोड़ दें, मीठा शीठा छोड़ दें, बाकी ये चीज़ें हैं बर्तन इसके अंदर। ये बर्तन सारे निकालते हैं, सेट करते हैं। थोड़े से सेट तो किए हैं लेकिन ये वाले रेगुलर यूज़ वाले हैं, इनको उठाती हूँ डाल के रखती हूँ, दूसरे जाते हैं ना लेके आते हैं चीज़ें, बाकी ये वाली चीज़ें इधर सेट की हैं। मशीनें अभी और भी हैं रखनी है, इसमें ये वाली सब चीज़ें सेट करते हैं, बाकी ये जो रहते हैं ये तो ज़्यादा ही भारी हैं, तो बता के कुछ चीज़ें ये वाली रह गई हैं ये भी अंदर से निकले हैं, ये भी मुझे लगता है छुपा के मैंने रखे थे, ये कहाँ से निकले ये तो हम पता नहीं है, कॉल सेंस से डाल करते हैं ठीक है। इन सबको उठा के ना सकते इस इधर से मैंने चीज़ें निकाली, ये कुछ ग्लासेज भी देखते हैं, कुछ ये चीज़ें यहाँ से जितने भी भारी भारी चीज़ें वो हो जाते हैं इधर सेट। ये जो स्टार्ट में आपको दिखाया है मेहमान आ रहे हैं उनके लिए कुछ खाना वगैरह मैं बना रही थी, तो वो हमारे लिए स्वीट लेके आए थे और डेकोरेशन की न्यू गार की काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ें लेके आए थे। अच्छा खासी लंबी वीडियो हो गया, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी क्या क्या चीज़ें लेके आए थे। हस्बैंड और भाई चले गए थे बाहर, वो काफ़ी लेट आए थे, तो हम लोगों ने लेट नाइट चाय शाय बनाई और साथ में मीठा शीठा खाया और साथ में जो मैंने रसमलाई केक बनाया हुआ था वो खाया। चले जी आप मुझे दे इजाज़त, लाइक सब्सक्राइब और प्यार से कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।